दोस्तों लेके आया हूँ बिजनेस की सीरीज। काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं आपने जहाँ पर मशीनरी बन रहे हैं, और साथ में ये हमने देखा कि दिया बत्ती जो बनाते हैं वो मशीन, और आज का जो बिजनेस है, और आज हम ऐसी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जो आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक बिज़नेस शुरू किया और वो बिज़नेस नहीं चला तो फिर मशीन बेचनी पड़े। तो आज अपन बात करने वाले हैं स्क्रबर बनाने वाली मशीन, यानी कि स्क्रबर की पैकिंग करने वाली मशीन। साथ में ही स्क्रबर के साथ में ही आप हजारों आइटम इसमें पैकिंग कर सकते हैं। यानी कि स्क्रबर बेच रहे हैं आप, मान लो स्क्रबर की दुकान बंद हो गई आपकी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो अपने टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश की आवश्यकता होती है उसे पैक कर सकते हैं, गरम मसाले पैक कर सकते हैं, खिलौने पैक कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट पैक कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जैसे कॉम्ब होते हैं, नाइफ होते हैं, चाकू, काफ़ी सारे, इसके साथ में गैस लाइटर होते हैं वो पैक कर सकते हैं। यानी कि हजारों आइटम आप इसमें पैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मशीन में आप स्लीपर भी बना सकते हैं। जो अपने पैरों में आप चप्पल देखते हैं ना, चप्पल का जो बिजनेस है वो सदाबहार बिजनेस है, कभी नहीं रुकने वाला बिजनेस है। और इस मशीन का जो बिजनेस है, यानी कि हजारों प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। यानी कि इतना ही नहीं कि सिर्फ एक राज्य में चलेगा, ये राज्य में नहीं पूरे कंट्री में, पूरे विश्व भर में चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि हर आदमी को जरूरत होती है स्क्रबर की, हर आदमी को जरूरत होती है यहाँ पर गर्म मसाले की, हर आदमी को जरूरत होती है यहाँ पर चप्पल की। चप्पल बिना तो कुछ काम होने वाला भी नहीं है, यानी कि ये सदाबहार बिजनेस है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन यहां पर कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स देखते हैं। इस मशीन को आप सबसे पहले ऑन और ऑफ करने के लिए यहां पर एक एमसीबी दी गई है, तो वहां से आप इसको ऑन कर देंगे। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहां पर साइड में दो एलईडी जलेगी जो ग्रीन कलर में दिखेगी आपको। यह ग्रीन कलर की जो एलईडी है वो यह दिखाती है कि आपका हीटर अभी गर्म हो रहा है। यहाँ पर आप नीचे के साइड में आएंगे तो दो गोल स्विच दिखाई देंगे जो अलग अलग हीटर के स्विच हैं, और इस स्विच के सहायता से आप हीटर को बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ज़बरदस्त बात तो यह है कि इसमें आप टाइमर डाल सकते हैं, यानी कि इतना हीटर गर्म हो 50 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री, और उसके बाद स्वतः बंद हो जाए। तो ये एलईडी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है जब आपका हीटर गर्म हो जाता है। हमें हीटर गर्म करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, जैसे खिलौना पैक कर रहे हैं, कोई गरम मसाला पैक कर रहे हैं, या फिर कोई ब्रश पैक कर रहे हैं। पैकिंग के समय हमें इस हीटर को गर्म करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप चप्पल की शॉल कटिंग कर रहे हैं तो इसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने चप्पल के शॉल कैसे कटेगी। तो सबसे पहले आप इस मशीन पर एक स्विच दिखाई देगा, वहां से आपको मोटर को ऑन करना है। मोटर ऑन करने के बाद फिर आप ये रो मटेरियल होता है जो चप्पल की जो सीटें होती हैं, सब चप्पल काटने के लिए जो सीटें होती हैं वो आप एसके इंडस्ट्रीज से भी ले सकते हैं। वैसे तो मार्केट में ये अवेलेबल है, तो वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। अब इस मशीन के ऊपर आपको एक स्विच मिलता है जहां पर लिखा हुआ होता है सेमी और ऑटोमेटिक। जब आप ऑटोमेटिक करेंगे तो आपके जो शॉले हैं वो ऑटोमेटिक कटती जाएगी और आगे आपको सरकाता रहना पड़ता है। बार बार आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्विच को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप सेमी में रखिए, क्योंकि आपको जब तक अच्छा सा हाथ जमे नहीं तब तक आपको मतलब कॉन्फिडेंस ना हो तब तक आप सेमी में करें, फिर आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में आपको दो से तीन बंदे की ज़रूरत होगी, एक शॉल को आगे खिंचका रहा है, दूसरा शॉल तैयार रखेगा और रख के वापस रखना है। तो मैं यहाँ पर सेमी पर रख के एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि कैसे इसमें चप्पल के शॉल कटने वाले हैं। तो चलिए, एक सबसे पहले आपको यहाँ पर मोटर को ऑन करना है। मोटर ऑन करने के बाद यहाँ पर दो स्विच दिखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है अप और नीचे लिखा हुआ है डाउन। जब आप डाउन का स्विच प्रेस करेंगे तो ये जो हीटर का जो प्रेस होता है वो जो नीचे जाएगा, और अप का प्रेस करेंगे तो वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, शॉल के ऊपर दबाव डाला जाता है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर अप का कर रहा हूँ तो ये ऊपर आ गया है। अब मेरे को यहाँ पर जो अपना रॉ मटेरियल है, सीट है,
सीट को यहाँ पर रखनी होगी। एक ध्यान आपको यह रखना है कि सीट के नीचे कोई भी लकड़ी का तख्ता रखना बहुत ज़रूरी होता है। लकड़ी का तख्ता रख दीजिए, फिर उसके ऊपर सीट रख दीजिए, फिर उसके ऊपर डाई रख दीजिए। आप इस पर मल्टीपल डाई भी रख के काट सकते हैं। आप डाई रखने के बाद फिर आप डाउन वाला बटन प्रेस कीजिए, धीरे धीरे दबाव डलेगा और दबाव डलते ही आपकी सीट तो यहाँ पर कट जाएगी। सीट कटने के बाद डाई को उठाइए और ये आपकी शॉल तैयार है। अब जैसे एक पैर का आपने काट दिया, अब दूसरे पैर का काटने के लिए आप डाई को उल्टा भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग डाई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार आपके चप्पल के शॉल तैयार है। इसमें वादे लगाने के लिए आपको अलग से एक छोटी सी मशीन आती है, उसका यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप वादे आराम से लगा सकते हैं। यहीं पर समाप्त नहीं होता है, आगे और आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है, लॉकडाउन में मान लीजिए चप्पल नहीं बिक रहे हैं, तो आप चप्पल नहीं बेच पा रहे हैं, तो जीरा है, गरम मसाला है, स्क्रबर है, जो रेगुलर यूज़ में आने वाला है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, आपको इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है, आपको पड़ती है, अपने देश को पड़ती है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जीरा पैकिंग कैसे करते हैं, स्क्रबर पैकिंग कैसे करते हैं, गरम मसाला पैकिंग कैसे करते हैं। सबकी प्रक्रिया एक जैसी है, बस अलग अलग डाई बनानी पड़ती है आपको। जहाँ पर जो सुथार होते हैं, खाती होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, वहाँ जाके आप कटिंग करवा के बना सकते हैं। साथ में ही ये ग्लिस्टर जो कटोरी नुमा दिखते हैं आपको, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस डाई को लेना है। इस डाई को लेने के बाद जो ग्लिस्टर है इसमें आप जमा दीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक डाई में 12 स्क्रबर पैक हो जाते हैं, तो 12 ही आप यहां पर ग्लिस्टर जमा दीजिए। 12 ग्लिस्टर जमाने के बाद जो आपके स्क्रबर बने हुए हैं, अब इन स्क्रबर को यहां पर 12 में रख दीजिए। रखने के बाद अब आपके ऊपर जो एक शीट है कागज की, यहां पर आप देख लीजिए कि जिस तरफ आपका ज़्यादा गैप रह रहा है उस तरफ आप ऊपर की साइड रहेगा, और आप ऐसे जमा दीजिए। फिर इसको आप जो हीटर गर्म किया है आपने, लगभग आपको देख लीजिए 30 से 40 मिनट इस हीटर को गर्म होने में लगेगा। हीटर गर्म होने के बाद इस डाई को इस हीटर के नीचे रखना है, फिर उसके ऊपर जो शीट है कागज की उसको रखना है, फिर आप हीटर के ऊपर जो डाउन और अप वाला स्विच है, जिसे अपन ने स्लीपर कटिंग में किया है, वैसे ही आप इसको डाउन करना है। तो डाउन करने के बाद सिर्फ मात्र 10 सेकंड के लिए रखना है। वैसे आप ऑटोमेटिकली रखेंगे 10 सेकंड में वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, लेकिन मैनुअल रख रहे 10 सेकंड के बाद आप इसको ऊपर कर लीजिए। देखिए आप किस तरह आपका यहाँ पर यह स्क्रबर पैक होकर तैयार है। इसी तरह आप जीरा भी पैक कर सकते हैं, गरम मसाले पैक कर सकते हैं, टॉयज पैक कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं वो आप इसमें पैक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप खरीद सकते हैं। साथ में ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।